तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। इसके पहले के वीडियो में हमने प्लाज्मिड के बारे में जान लिया कि प्लाज्मिड एक्चुअल में क्या है, तो थोड़ा और यू ले लेते हैं। तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और न्यूक्लिक एसिड जो किसी भी बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, जो बैक्टीरियल सेल को कुछ एडिशनल एडवांटेजेस देता है। तो बेस्ड ऑन फंक्शंस देयर आर सिक्स टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स एंड द फर्स्ट प्लाज्मिड इज एफ प्लाज्मिड और सुपर है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। सो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो नाम ही सजेस्ट करता है कि ये एक्सुअल प्लाज्मिड है। इसको हम मेल प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं जो सेक्सुअली अपना जो जीन है वो दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट करता है थ्रू कॉन्जुगेशन। तो उसमें जीन होता है राजीन, इस जीन की वजह से वो कॉन्जुगेशन कर पाता है। और जिसके पास भी एफ प्लाज्मिड होता है उसको बोलते हैं एफ प्लस सेल, और जिसके पास भी ये नहीं होता उसको बोलते हैं एफ माइनस सेल। तो इसको बोलते हैं डोनर, इसको बोलते हैं रेसिपिएंट। इससे इसमें क्या होता है कॉन्जुगेशन होता है, आपके में दोनों एफ प्लस बन जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे कॉन्जुगेशन में बात करेंगे। लेकिन अभी बात करें टाइप्स के बारे में। तो इसमें और चीज भी कई सारी होती है, आइस एलिमेंट होते हैं, ट्रांसपोजोन्स होते हैं, एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन होता है। तो ये होता है एफ प्लाज्मिड जिसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी बोलते हैं। अभी दूसरा है आर प्लाज्मिड, आर यानी रेजिस्टेंट। जैसे नाम ही बता रहा है कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होंगे मल्टीपल, लाइक कैनामाइसिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, अमाइनिन। ये सारे रेजिस्टेंस जीन होंगे इस प्लाज्मिड में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर बैक्टीरिया किसी भी एडवर्स कंडीशन में ग्रो हो रहा है और उसमें ये सब एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो जिस किसी भी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि उसमें तो इसका रेजिस्टेंस जीन है। तो ये मोस्टली आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस जीन के बारे में होता है। ये भी कई बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, ये स्पेसिफिक प्लाज्मिड है, इसका कॉपी नंबर भी बहुत ही छोटा होता है। बात आती है कॉल प्लाज्मिड, ये स्पेशली होता है उसका एग्जांपल है कॉल इवन इकोलाइन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है पॉलीसीन जो एक एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। ये क्या करता है कि मान लीजिए एक बड़े से मीडियम में ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं, अब एक टाइम आएगा कि जब जो मीडिया है वो कम हो जाएगा, बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या करना ही पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। तो उस लड़ाई में ये काम आता है ये कोलिसिन। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, कोलिसिन प्रोड्यूस करेगा, ये कोलिसिन दूसरे बैक्टीरिया को मार डालेगा, सो अल्टीमेटली ये बच जाएगा, तो ये अपना मीडियम ले सकेगा। तो उसका मेनली ये यूज है, और इसको दूसरा बोलते हैं बैक्टीरियोसिन। ये बहुत ही एडवांटेजेस है सारी चीजों में। तो ये हो गया तीसरा। फिर आता है वायरुलेंट प्लाज्मिड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका बेस्ट एग्जांपल है टीए प्लाज्मिड, ह्यूमन इंडक्शन प्लाज्मिड इन एग्रोबैक्टेरियम ह्यूमन टेस्ट। इसमें क्या हो रहा है कि ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, ये वायलेंट है, यानी उसमें ये स्पेशली प्लांट में राउंड लाल ट्यूमर करता है। इसलिए उसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इसमें स्पेशली वायलेंट वीर जीन भी होते हैं एस से जी तक, इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है वायलेंट जनरेट करने के लिए।
ये वर्क कैसे कर जाती है प्लाज्मिड, कि मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी प्लांट स्टार्वेशन कंडीशन में है, तो वो क्या करेगा, एक ओपाइन छोड़ेगा, और ये ओपाइन को कौन डिटेक्ट कर पाएगा, एंडोथेलियम ट्यूब मैट्रिक्स, तो उसके पास जाएगा और टीए प्लाज्मिड में से सिर्फ एक पोर्शन जिसको बोलते हैं टीडीएनए, वही इसमें ट्रांसफर करेगा और ये यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूस करेगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन इनटू वायलेंट प्लाज्मिड। फिर आता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। पांच मात्रा है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। इसका मेन एग्जांपल है टॉल प्लाज्मिड इन स्यूडोमोनास फुटिया। ये क्या करता है, कोई भी चीज यानी अगर ऑयल हो, कोई भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसको डिग्रेड कर देता है और उसको यूज करता है। ये डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड हमें बहुत बेनिफिशियल है प्लास्टिक के, प्लास्टिक के डिग्रेडेशन के लिए, और कोई भी ऑयल का अगर हमें डिग्रेडेशन करवाना हो तो ये प्लाज्मिड उसके बहुत काम आता है, टॉल प्लाज्मिड स्यूडोमोनास फुटिया में। और जो आखिरी प्लाज्मिड है उसको कहते हैं एपिजोम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लास्ट वाला है एपिजोम। एपिजोम क्या है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये उसका क्रोमोसोम और ये उसमें प्लाज्मिड। अब किसी भी कंडीशन में प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी ये है क्रोमोसोम, तो मान लीजिए ब्लैक कलर प्लाज्मिड, ये इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर कुछ समय बाद वो वापस आ जाएगा अपने प्लाज्मिड फॉर्म में। लेकिन जब वो वापस आएगा तो थोड़े बहुत जीन जो क्रोमोसोम में है और उसको चाहिए वो लेके आएगा, यानी अब ये कैसा बन गया, मान लीजिए ब्लैक कलर प्लाज्मिड का है ये क्रोमोसोम, तो इसको बोलते हैं एपिजोम। सारे प्लाज्मिड एपिजोम नहीं बना सकते, बहुत सारे बनाते हैं, ये उसका एडवांटेज है। तो ये सारे टाइप्स से प्लाज्मिड के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मुझसे कुछ सीखना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।